सबको, जितने भी लोग हमें प्यार करते हैं, जो प्यार नहीं भी करते हैं, उनके लिए भी मेरी तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामना। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। कि आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि लगातार जो भी गाने छूट रहे हैं, आप सब इतना प्यार और आशीर्वाद भर के दे रहे हैं। जैसे कि अभी मुर्गा हमारा असली, और आपके वो वाला नींबू खरबूजा डबल खिड़की से लेकर जितने भी गाने रिलीज हुए हैं, और आप लोग ऐसे ही प्यार। और आज लाइव आने का कारण भी था कि हमारे कृष्णा बेदर्दी जी, जो कि मेरे हम लोग जीवन में दोनों भाई एक दूसरे के साथ, हम कृष्णा जी, महेश परदेसी जी, पवन पांडे जी, हम लोगों का जो संगत है और संबंध है वो शुरुआत से एक दूसरे के साथ है, और आज इनका बर्थडे है। तो इस बर्थडे बॉय को भी मैं दिखा देता हूँ आप सबको, देखिए। नमस्ते सबको, सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आशीर्वाद आप सब दीजिए कि हम लोग ऐसे ही इनके कलम की जादू चलते रहे, और दोनों भाई मिलके आप लोगों का ऐसा ही मनोरंजन कराते रहे। देखिए इनसे मिलिए, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, कैसे हैं आप सब। हाँ, और ये देखिए टुनटुन बाबू, ये हमारा छोटा भाई है। ये देखिए एक छोटा भाई इधर, इधर ये सोनू पांडे जी है। हैप्पी न्यू ईयर। इधर देखिए, इधर देखिए हमारे पंकज भैया, पंकज भैया हैं। ये सोना के गोदाम है, खदान खदान है ये, बहुत सारे लोगों को सोना भी देते हैं, और बहुत लोगों को हमें भी दिए हैं, हमें भी दिए हैं बहुत सारा सोना, बस गिफ्ट करते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, पंकज भैया ने मुझे गिफ्ट किया है नए साल में। तो आप लोगों को जब भी सोना पहनने का मन करे नहीं, ये बहुत हम लोग के प्यारे भाई है, और ये पेशे से सीए हैं, और हम लोगों का बहुत हेल्प करते हैं, ये बाद में जुड़े हैं, और हमारा पेशे से। और अभी विवेक बाबू थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो अब हम लोग सोचे कि लाइव आके केक काटे, क्योंकि हमारा ऋषभ भी साथ में आया है। आज उसको घूमना था, कल पूरा घुमा उधर गेट ऑफ इंडिया की तरफ, गेटवे इंडिया होता है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, तो उधर ताज होटल के सामने खूब इंजॉय किया। हाँ, मैं इंजॉय नहीं कर पाया कि वहाँ पे बहुत सारे हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग थे। 5-6 हज़ार अब जिंदाबाद के नारा लगाने लगे, दिक्कत हो गया मुझे, बट उनका प्यार है, उसके लिए मुझे तकलीफ नहीं होती है। फैमिली के साथ खूब इंजॉय किए हम पूरी रात, सुबह 5 बजे सोई, उसके बाद अब बर्थडे था तो आना था हम लोगों को, थोड़ा सा इंजॉय करना था कि नहीं भाई। आज हमारे बेदर्दी जी का भाई इतना प्यारा, आज ही के दिन एक ऐसा कलम का जादूगर पैदा हुआ था जो कि मेरे करियर में बहुत योगदान रहा उनका, और उन्होंने बहुत मेरे हर उस गाने को, चाहे वो शुरू से लेकर अभी तक, कोशिश हम सबकी रहती है कि सिर्फ हम मनोरंजन के लिए आप सबके वर्क करते रहें, कुछ बेहतर करते रहें। तो आइए बेदर्दी जी, आप पहले इसको केक को काटिए, हम दिखा देते हैं। ये है बेदर्दी जी का, बेदर्दी जी, तू टी लिखा है कि जी लिखा है? अच्छा जी, हाँ टी, हमको इधर से टी सम दिखाई दे रहा था। हाँ तो चलिए आइए बेदर्दी जी, और हम इसको फिर से ऐसे कर देते हैं ताकि काटते समय आप जी रहो, आइए इधर आओ, बचिए बचिए, चलिए आइए 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 बाबा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दर्दी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, बताइए। इतने सारे लोग बेदर्दी जी, आज 1 रुपया नहीं दिए, 50 पैसे ही कटवा दी। दो इधर, आप लोग बाहर चले वाले, ठीक है। चलिए अभी अब हम लोग इस लाइव को थोड़ा स्टॉप करते हैं, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर। की आने वाले जिंदगी में ऐसा ही खुशहाल रहिए आप लोग, जिंदगी में गर्दा होता रहेगा। जिंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो समझिए कि राम की तरह आपको बनवास हो रहा है, लेकिन अब वहां से लौटिए तो ये लगना चाहिए कि आप पहले तो राम बन के वन में गए थे, और जब वहां से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो जिंदगी में इंसान के लिए यही होता है कि जब इंसान को कष्ट होती है तो राम की तरह होती है,
लेकिन जब वो निकलता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाता है। तो बस कोशिश करना है कि मेहनत को एकदम मेहनत इतना करिए ना कि जो ठोकर लगने वाला पत्थर भी उस रास्ते को छोड़ दे, जिस तरह दशरथ मांझी ने किया। उनके अंदर वो जुनून था कि पहाड़ को भी रास्ता छोड़ के खड़ा होना पड़ा। तो बस आपके छेनी हथौड़ी और आपके मेहनत में वो पावर और ताकत होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी पत्थर को मजबूर कर दे कि तू रास्ता दे हमें और चलना है। तो वो ठोकर लगने वाले रास्ते भी समझ में आ जाए, ठोकर लगने वाला पत्थर को भी समझ में आ जाए कि नहीं, ये बहुत कर्मठ इंसान है, इससे टकराना ठीक नहीं। तो लव यू ऑल, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, आने वाला समय आप सबका हो और आप सब ऐसे ही खुशहाल रहिए। भगवान हर उस रोग से बचाए आप सबको, हर उस आपदा से बचाए, ताकि ऐसे ही अपने बेटा खेसारी लाल यादव को प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।